मैथ्स मैजिका, ये हमारा तीसरा इंटरेक्टिव एप्लीकेशन बेस्ड बुक का सीरीज है। मैथ्स मैजिका एप्लीकेशन ऐप और गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वन टाइम डाउनलोड करना है, उसके बाद ऑफलाइन चलेगा। इसमें डेली एक्टिविटी चार्ज जो है 50 रुपीज़ का, वो ये बुक के अंदर ही दिया हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है वो। तो आइए जानते हैं बुक के बारे में। ये जो बुक है बेसिकली, ये बुक में टोटल हम लोगों ने 10 चैप्टर्स कवर किए हैं, और ये जैसे जो एक्टिवेशन किए है हर बुक में आता है, वो इसमें भी इस तरीके से आएगा। अभी जैसे 10 चैप्टर्स है बेसिकली प्री मैथ कंसेप्ट, हर चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो बुक में भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन में भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन के चैप्टर एक्सरसाइज और बुक के एक्सरसाइज अलग अलग रहेंगे। नंबर्स है इसमें, बच्चा फ़ोन के ऊपर लिखना प्रैक्टिस कर सकता है, काउंटिंग का प्रैक्टिस कर सकता है, यहाँ पर भी उसको एक्सरसाइज दिया हुआ है। टाइम में दोनों है, डिजिटल और एनालॉग दोनों है। उसके बाद करंस मनी में कॉइन्स और करेंसी नोट्स दोनों है। इसमें ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए जिससे अगर आप इसको स्कैन करोगे तो लेडी काउंटर पे वो बच्चे को पूछेगी आप 1,550 रुपये दो, तो उसमें वो बच्चे को 500 के 3 नोट देना है, 2,000 का नोट देगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरीके से एग्जांपल्स है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन डिविजन, साइंस है दोनों, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू, एंड देन शेप्स है, सारे 12 टाइप के शेप्स हमने इसमें कवर किए। एंड देन कलर्स है, इसमें भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑप्शंस है। अगेन एप्लीकेशन में भी डिफरेंट एक्सरसाइज रहेगी, ऑर्डिनरी नंबर्स है, और फिर हर एक्सरसाइज का एक पेज हमने इसमें एग्जांपल्स दिए हर चैप्टर के एक पेज। तो इस तरीके से ये हमारा मैथ्स मैजिक का जो बुक है, ये काफ़ी सारी एक्टिविटी है ये सारे बुक के अंदर, और जो जो फ्री एक्टिविटी डेली एक्टिविटी चार्ट है वो इस तरीके से। तो ये हुआ ये बुक है। तो अभी हम जानते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन एक बार आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से उसका यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे अगर आप इसको अभी समझो, चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 जब आप इसमें ओपन करोगे तो आपको ये इमेज स्कैन करना है। सो लेट्स चैप्टर नंबर 2 में क्या है। चैप्टर नंबर 2 उसमें काउंट और राइट दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। हम पहले राइटिंग एक बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बताया ये ऑफलाइन है, एक बार ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो विदाउट इंटरनेट चलेगा। अभी आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो अभी जैसे आपने इसको स्कैन किया, यहाँ पर 0 आपको अपीयर हो गया, 0 आपको अपीयर हो गया। तो बेसिकली आपको जूम इन जूम आउट का इसमें फीचर दिया हुआ है। अभी आपको इसको ये ज्वाइंट करना है। आप इसको अगर इसको ज्वाइंट करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 अपीयर होगा, और बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है फ़ोन के अंदर। जैसे अगर आपको इसमें 1 है तो 1, इसी तरीके से वो 9 तक हमने इसमें प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। अगेन जैसे मैंने बताया, फ़ोन में भी इसको एक्सरसाइज दिया हुआ है एंड बुक में भी अलग दिया हुआ है। तो इस तरीके से सारे चैप्टर्स जो है, जो सारे 10 चैप्टर्स है, हर एक का कुछ ना कुछ क्रिएटिव और एक्टिविटी इसमें दी हुई है। तो बेसिकली फन लर्निंग के ऊपर ये बुक है, एंड बाकी और भी चीज़ है। तो आप एक बार ये बुक अगर परचेस करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलेगी।